टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जहां पर भारत अपने दौरे की शुरुआत 3 T20 मैचों की सीरीज से करेगा। बड़ी बात यह है कि इस पूरी सीरीज के बारे में हर तरह की जानकारी सामने आ रही है। अगर T20 सीरीज की बात की जाए तो पहले T20 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन इंग्लैंड और भारतीय कंडीशन से काफ़ी अलग है। ऐसे में उमेश यादव का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच खेलना लगभग तय माना जा रहा है और जसप्रीत बुमराह भी लगभग सही खेल दिखा रहे हैं। वहीं खलील अहमद लेफ्ट आर्म पेसर होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है। दरअसल भुवनेश्वर कुमार का हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि वो एक भारत के एक चैंपियन गेंदबाज हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की बॉल कुकाबुरा में स्विंग उतनी नहीं लेगी ऑस्ट्रेलिया में जितनी इंग्लैंड ले रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भुवनेश्वर का बाहर जाना क्या उमेश यादव को फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।